शुक कहते हैं, हे वेद व्यास, मैं जानता हूं ये गर्भ नरक है, परंतु यहां पर रहकर मैं कम से कम अपने भगवान को तो याद कर रहा हूं। मुझे पता है जैसे ही मैं इससे बाहर आऊंगा विष्णु की माया मुझे ग्रसित कर लेगी, इसलिए मैं इससे बाहर नहीं आऊंगा। कहते हैं जब जीव मां के गर्भ में होता है तो उल्टा लटका होता है, उच्चे ही शपादा साउतान पादा, जिसके पांव ऊपर की तरफ सर नीचे की तरफ हो वो तान पादा होता है। वास्तव में हम सब भी मां के गर्भ में उल्टे लटके थे प्यारे, उल्टा लटका हुआ जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे गोविंद मुझे इस गर्भ रूपी नरक से बाहर निकाल दे, मैं अपना सारा जीवन तेरी भक्ति में लगा दूंगा। परंतु दूसरे ही पल वो जीव भगवान से कहता है, नहीं प्रभु, मैं इस गर्भ में ही उचित हूँ, ठीक हूँ, यहाँ पे रह के कम से कम मैं आपको याद तो कर रहा हूँ, बाहर जाते ही स्मृति भुला दोगे तुम, मुझे पता है। मन में ये द्वंद चलता है, प्रसूति वायु से जीव बाहर आता है और बाहर आते ही स्मृति भूल जाने के कारण अज्ञानता से वो रोता है। कहते हैं रोग में, गर्भ में, शमशान में व सत्संग में जैसी मनुष्य की स्मृति होती है, अगर ऐसी स्मृति सदा बनी रहे तो प्यारे किसका इस संसार में कल्याण ना हो जाए। रोग में जब मानव रोग में होता है ना तो केवल भगवान को याद करता है, रिश्तेदार आते हैं, मित्र आते हैं, पूछ के पता लेके चले जाते हैं, मानव फिर अकेला लेटा रह जाता है, याद करता है भगवान को कि हे प्रभु बस एक तेरा नाम ही सत्य है, बाकी जगत में सब झूठ है। गर्भ में जीव भगवान को याद करता है, शमशान की स्थिति कुछ ऐसी होती है कि केवल भगवान का नाम ही सत्य लगता है। और चौथी स्थिति है सत्संग की प्यारे, जब तक जीव सत्संग में रहेगा ना तब तक कुसंग उसके आसपास भी नहीं आ सकेगा, और अगर ऐसी मति मानव की बनी रह जाए तो किसका कल्याण ना हो जाए संसार में, सबका कल्याण हो जाए मेरे प्यारे। आज कहते हैं कि वो जीव आगे जैसे ही जैसे उसकी आयु बढ़ती है वो संसार के चक्रव्यूह में फंसता चला जाता है, काम क्रोध विषय वासनाएं तृष्णा उसको घेर लेती हैं, एक एक इंद्रियों के वशीभूत होके साधारणतः जीव मारे जाते हैं। फिर ये मनुष्य क्यों ना मारा जाए जिसकी पांच की पांच इंद्रियां हर समय व्याकुल रहती हैं व्यसनों में प्यारे। और कहते हैं एक दिन वही जीव अपने दुर्व्यसनों के कारण मारा जाता है। सुखदेव जी ने पिता से कहा, हे पिता, हे महर्षि वेदव्यास, स्वयं श्री हरि आके अगर मुझे आश्वासन दें कि मेरी माया तुझे ग्रसित नहीं करेगी तब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा। और कहते हैं स्वयं नारायण ने आके आश्वासन दिया, नारायण आश्वासन से सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही श्री सुखदेव जी महाराज चल पड़े सीधे तन्मय सुखदेव जी वनों की ओर चल पड़े। पिता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे पुत्र अभी तो तुझे देखा भी नहीं, अभी तो तेरे से लाड भी नहीं लड़ाया और तू छोड़ के जा रहा है। तन्मेश देव जी की ओर से उन वृक्षों ने उत्तर दिया, यम प्रव्रजन्तम मनुपेतम अपेतकृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुहितं तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, महर्षि कृष्ण द्वैपायन के जो पुत्र हैं, तन्मय हैं, सदा हरि नाम में रमण करने वाले हैं, हरि कथा को ही कहते हैं, हरि कथा को ही गाते हैं, हरि कथा को ही सुनते हैं, ऐसे तन्मय श्री सुखदेव जी महाराज, इनका जन्म किसी सांसारिक कार्यों के लिए नहीं हुआ, अपितु इनका जन्म तो हरि नाम हरि भक्ति प्रचार प्रसार के लिए हुआ है। परंतु पिता का मोह ना मरा,
कि प्यारे माया मरी ना मन मरा मर मर गया शरीर हाँ कि प्यारे आसा तृष्णा ना मरी हाँ ये सब कुछ मर जावे परंतु आसा तृष्णा नहीं मिटती मेरे प्यारे हाँ। और आज पिता पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अप्सराएं कहती हैं आगे चल के कुछ स्नान कर रही थी, जब पुत्र वहां से निकले सुखदेव जी निकले वो नहाती रही, परंतु वेद व्यास वहां से गुजरने लगे, तन को ढक लिया अप्सराओं ने, वेद व्यास को क्रोध आया रे अरे अप्सराओ मेरा किशोर बालक वहां से गुजर के गया, तब तो तुमने तन को नहीं ढका, 80 वर्ष का बूढ़ा जब मैं गुजर के जा रहा था आंखों से भी जिसे कुछ दिखाई नहीं देता तुमने अपने तन को ढकना प्रारंभ कर दिया। कहा महर्षि यही तो भेद है आपकी दृष्टि में और आपके पुत्र की दृष्टि में, आपने भेद देखा तभी तो हमसे पूछ लिया, आपने ये देख लिया कि हम तन ढक रहे हैं क्योंकि आप संसारी हो, आपके पुत्र को तो ये भी नहीं पता हम मानव हैं कि कोई पशु पक्षी जलचर है कि नभचर है कि थलचर क्या है हम, उसकी दृष्टि में तो कोई भेद नहीं परंतु आपकी दृष्टि में भेद है, आप संसारी हैं। इसलिए ये चर्चा चल रही थी, इतनी ही देर में श्री सुखदेव जी भगवान घने वन में प्रवेश कर गए, वहीं से ही वापिस आज महर्षि वेदव्यास आके आश्रम में बैठे। प्रभु नारद जी का फिर आगमन हुआ, हरिशिवर क्यों चिंतित हो, कहा महाराज एक पुत्र हुआ था वो भी छोड़ के चला गया, हे नारद जी अब इस जीवन का क्या लाभ है। श्री नारद जी महाराज ने कहा हे महर्षि वेदव्यास आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र थोड़े ही है, आपका पुत्र भगवान का परम भक्त है, मेरे ही समान वो भी भगवत नाम का यूं ही प्रचार प्रसार करेगा। और कहते हैं इसी बीच में आज ऋषिवर ने पूछ लिया कि हे नारद जी आपका मन यूं भगवान में सदा से ही क्यों रमण करता है। नारद जी ने अपने पिछले जन्म की कथा सुनाई महाराज, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दाश्यास्तु कश्याश्चन वेदवादी नाम निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रुषणी प्रावृषि निर्विवक्षताम। हे प्रभु प्राचीन बात है, मैं दासी पुत्र था, मेरी माता ऋषियों ब्राह्मणों के आश्रम में सेवा किया करती थी, प्रसादी बनाती थी, जो झूठन बचती थी उसको मैं थोड़ा बहुत खा लिया करता था, ऋषियों का प्रसाद संतों का प्रसाद प्रवचन के रूप में सुनता था, उनकी सेवा करता था। दूध दोह रही थी एक दिन मेरी माँ, सायंकाल को सर्प ने उसे आके काट लिया, वो चल बसी में उसके लिए बड़ा रोया, परंतु मेरे हृदय में अनुगत भगवान के लिए प्रेम सदा जागता रहा और मैं वहां से चल पड़ा, चलता रहा। और प्रभु चलते चलते एक वृक्ष के नीचे बैठकर मैंने जब उस भगवान के रूप को देखना चाहा, अपनी आंखें बंद की मैंने, एवं चतुर्दम विजने मामा गोचरो गिराम गंभीरम संलक्षणया वाच शुच प्रशमय निवम। एक स्वरूप मेरी आंखों के सामने आया, फिर ओझल हो गया, मैंने बार बार आंख बंद करके उस स्वरूप को देखना चाहा, परंतु वो स्वरूप फिर मेरे सामने नहीं आया। अंततः फिर मैंने उस स्वरूप को देखना चाहा, वो स्वरूप मेरी आंखों के सामने आया, और कहते हैं श्री नारद जी महाराज उस स्वरूप का ही ध्यान करते रहे।
आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, उस पुत्र को यह आकाशवाणी हुई कि अब से तुम भगवान के परम भक्त बनोगे, भगवान नाम का ही प्रचार प्रसार करोगे। नारद जी ने उस जन्म की वो देह त्यागी और अगला जन्म, हाँ अगला जीवन जो हुआ, कहते हैं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। आशीर्वाद मिला था इनको, क्या वैकुंठ में हो चाहे स्वर्ग में, हाँ बिना किसी की आज्ञा के ये आ जा सकते हैं जहाँ इनका मन करे, हाँ जहाँ जहाँ इनका मन करे ये वही विचरण कर सकते हैं। हाँ एक महापुरुष बड़ा सुंदरी बात कहा करते थे, कहा नारद, हाँ कई बार हम मुस्कुराते थे उस बात के ऊपर, कहा जिनकी बात को कोई रद्द ना कर सके उनका नाम है नारद, हाँ जिनकी बात को कोई ठुकरा ना सके, हाँ वही है नारद जी, हाँ जो कहते महाराज वही हो जाता, परम भक्त हैं भगवान के। इसलिए उस स्वरूप का दर्शन लेके श्री नारद जी महाराज वीणा लेके नारायण नाम गाते हैं। कहा प्रभु, नारद जी ने कहा तुम्हारे पुत्र वापिस आ सकते हैं कुछ समय के लिए तुम्हारे पास। कहा कैसे? कहा अपने शिष्यों को जो अपने सुंदर सुंदर चतुश्लोक की भागवत दे रखी है ना, उन्हें कहो वन में जाएं और जाके भागवत के श्लोकों को जोर जोर से गाएं। शिष्य गए वन में लकड़ियां लेने, श्री सुखदेव जी भगवान वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान का ध्यान लगा रहे हैं और वो श्लोक कर्णों में पड़े सुखदेव जी के। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकार विभ्रदवासः वैजयंतिम चमारा रंध्रान वेणधर सुधिया पुरियम सुधिया पुरियम गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीरति प्राविशद गीत कीरति। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधरम श्री दामादि सहितम श्री दामादि सहितम। अय कृष्ण स्वामी ने मुरली वादन विभव प्रसीदेत्य क्रोशन निमिषम प्रसीदेत्य क्रोशन निमिषम निशामी दिवसान निश्यामी दिवसान अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्नासयापाययलप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचित्तां ततोऽयम् कम वा दयालुम् शरणं व्रजेम कम वा दयालुम् शरणं व्रजेम। भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन इन चार श्लोकों में हुआ।
बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोर कर्णिकारम। जिनके मस्तक पर क्रीट बाहुओं में भुजबंद गले में बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियों से जिनके सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं, सोने के तार द्वार विचित्र रीति से बंधी हुई वनमाला धारण किए हुए ऐसे सुंदर मेरे भगवान का स्वरूप। और वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति कदा वृंदारण्य रमने विमल यमुना तीर पुलिने के। हे गोविंद, जमुना के तट पर तुम्हारी वो मधुर मुस्कान, इसको देख देख कर जीव अपने चितवन को अपने मन को मानो तुम में लगाता हुआ तुम्हारा ध्यान करता है। भगवान के सुंदर सुंदर स्वरूप की व्याख्या इन श्लोकों में हुई। और जैसे ही ये शब्द श्री सुखदेव जी महाराज के कर्णों में पड़े, सुखदेव जी खड़े हुए शिष्यों के पास आए कि ये श्लोक तुमने कहाँ से सुने। शिष्यों ने कहा कि ऐसे ऐसे तो 18,000 श्लोक हमारे सद्गुरुदेव के पास हैं। कहा कौन है आपके सद्गुरुदेव? कहा हमारे सद्गुरुदेव हैं महर्षि वेद व्यास। पुत्र को नहीं पता ये मेरे पिता हैं, परंतु शिष्य ले गए, पिता को तो पता है मेरा पुत्र है, इसलिए बिठा के भाग आज पुत्र का स्वागत किया। और भागवत जी के वो चार श्लोक धीरे धीरे 18,000 श्लोकों के रूप में आज सद्गुरुदेव ने श्री सुखदेव जी भगवान को सिखलाए। तन में श्री सुखदेव जी महाराज श्लोकों को सीख के आज चल पड़े अपनी राह के ऊपर, अपनी राह के ऊपर चल पड़े। और किशोरी जू की कृपा को शिरोधार्य करते हुए आइए हम सब भी चलें इस राह के ऊपर एक भाव के द्वारा। मेरे सिर पे हाथ रख दो राधा रानी, 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 राधा रानी मेरी ठकुरानी, राधा रानी मेरी ठकुरानी, राधा रानी मेरी ठकुरानी, श्री राधा रानी मेरी ठकुरानी, मेरे सिर पे हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पे हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पे हाथ रख दो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रख दो। दर्शन होवे आस यही है, 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 मेरे मन की प्यास 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 यही है, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा।
Thank you.
सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री राधा माधव भगवान की, जगत गुरु स्वामी श्री जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे सिर पे हाथ रख दो राधा रानी। आइए इसी अनुग्रह की मनोकामना करते हुए, हे दर्शन होवे आस यही है, दर्शन होवे आस यही है, मेरे मन की आस यही है, पूरी हो अभिलाष मेरी राधा रानी। वृंदावन को वास से दो राधा, बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी कवि ने इस भाव की। हे असुवन मोती हार पिरोया, किशोरी जी एक हार बनाया है मैंने आपके लिए, और वो हार है असुओं का। असुवन मोती हार पिरोया, श्रद्धा प्रेम सूत्र में बोया, सूत्र बनाया है उसके लिए मैंने, सूत्र का नाम है श्रद्धा और प्रेम। और किशोरी जी बस मेरे पास यही है, मेरी ये सौगात रख लो राधा रानी। इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, धन दूं तो बहुत छोटा पड़ जाए, जीवन में जो सम्मान दिया वो तेरे चरणों में अर्पित कर दूं शायद वो भी छोटा पड़ जाए, परंतु ये आंसुओं की माला मैंने तेरे चरणों में चढ़ाई है। हे किशोरी जू, हे राधा रानी, इसे आप स्वीकार कर लेना। श्री सुखदेव जी भगवान भी ऐसी ही कृपा को शिरोधार्य करके आज चल पड़े सीधे गंगा के तट पर। ऋषियों का मंडल आहुत है, भीड़ लगी है बड़ी भारी। राजा को शाप लग गया है और गुरुदेव राजा पे कृपा करने के लिए पधार गए हैं। इसी बीच में श्री सूजी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर लिया, महाराज ये राजा परीक्षित को जो शाप लगा ये किस कारण से लगा था। गुरुदेव ने कहना प्रारंभ किया, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें वही कथा सुनाने जा रहा हूं। यदा मृधे कौरव श्रीजयाना वीरेश्वरियो वीरगति मदेशु वृकोदरा विद्गदाभिमर्श भद्रोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में जब बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो गए भीमसेन के प्रहार से, उस समय अर्जुन कहते हैं दुर्योधन मरणासन पड़ा है। उसी समय दोनों पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आता है, आके कहता है, हे दुर्योधन, मैं तुम्हें ये हारा हुआ युद्ध फिर जितवा दूंगा, तुम मुझे
तुम मुझे अपनी सेना का सेनापति घोषित कर दो। हरे अश्वत्थामा, हम युद्ध हार चुके हैं और हारे हुए युद्ध फिर जीते नहीं जाते, परंतु पद की मोह में इंसान न जाने क्या क्या कर बैठता है। ना माना अश्वत्थामा कहलवा दिया दुर्योधन से। अर्धरात्रि में पांचों पांडव पुत्र जब शयन कर रहे थे, जाके आज शीश काट दिए उन पुत्रों के, और काट कर शीश जैसे ही दुर्योधन के सामने लाया, दुर्योधन ने भीमसेन के पुत्र शतकीर्ति का सर जैसे ही उठाया, वो सर दबाया, वो सर फूट गया। आज जीवन में दुर्योधन पहली बार रोया। पश्चाताप हुआ दुर्योधन को कि हे अश्वत्थामा, जीवन में मैंने बड़े से बड़े पाप किए थे, परंतु मैंने कभी बाल हत्या का पाप नहीं किया। तूने मुझसे बाल हत्या भी करवा दी, अपने आप को कभी क्षमा नहीं करूंगा। हमारे कुल में तूने कोई पितरों को जल देने के लिए भी नहीं छोड़ा रे अश्वत्थामा। प्रातःकाल द्रौपदी अपने बच्चों को उठाने आई, तो आज जैसे ही द्रौपदी अपने पुत्रों को देखने के लिए वहां आई, पुत्रों की दयनीय स्थिति को, मरे हुए पुत्र पड़े हैं, आज द्रौपदी बड़ी रोई, बड़ी रोई। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, जिसने मेरे पुत्रों को मारा है आज सायं तक उसे मारूंगा, तब जाके मैं अन्न ग्रहण करूंगा। गोविंद ने कह दिया, हे अर्जुन, तू से नहीं जानता जिसने तेरे पुत्रों को मारा, सायं तक उसे ना ढूंढ सका तो क्या तू खुद स्वयं को समाप्त कर लेगा। कहा, गोविंद, तुम्हारे बल पे ये प्रतिज्ञा करी है, तुम ही इसको निभाओगे। ऐसा मन में संकल्प लेके भगवान ने भी कह दिया, अर्जुन, अगर तूने मेरे बल पे प्रतिज्ञा करी है, मैं ही निभाऊंगा। आज चल पड़े अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए। भागा भागा फिर रहा है अश्वत्थामा। अपनी रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने अंततः ब्रह्मास्त्र चला दिया, परंतु वापस बुलाने का कोई उपाय नहीं था अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र को। इसलिए आज आचमन करके भगवान के ही संकल्प से ब्रह्मास्त्र वापस हुआ, पाश में बांधा अश्वत्थामा को, और लाके अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। हे द्रौपदी, तेरे पांच पुत्रों का हत्यारा है, इसे जो चाहे तो सजा दे। परंतु रोषे भरी हुई द्रौपदी के हृदय में ठाकुर बैठ गए, और द्रौपदी के मुख से जो वाक्य निकला बड़ा अद्भुत था। मेरे प्यारे वाच चाह हन्त्यस्य बंधना नयनम सती मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु ब्राह्मणो नितराम गुरु। सती का पुत्र है ये, ब्राह्मण पुत्र है, गुरु पुत्र है। गुरु पुत्र कभी मारने योग्य नहीं हो सकता, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। पांडवों को क्रोध आया, इसको तो बाद में मारेंगे, पहले द्रौपदी तुझे मारेंगे। कैसे कह दिया तूने इसको जीवित छोड़ दे हम? अरे अभी अभी अपने पुत्रों को मरता हुआ हमने देखा, जिसने मारा सामने खड़ा है, और तू कह रही उसे छोड़ दे, इसे बाद में मारेंगे, पहले तुझे मारेंगे। यूं कह के पांडव द्रौपदी को मारने दौड़े। भगवान ने चतुर्भुज रूप बनाया, दो हाथों से पांडवों को विनग किया, दो हाथों से द्रौपदी को विनग करके अर्जुन की ओर इशारा किया, अर्जुन कुछ ऐसा कर जिससे तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाए, पांडवों का क्रोध शांत हो जाए, द्रौपदी के मन को चैन मिल जाए, और मेरा कहना भी पूर्ण हो जाए। भगवान के इशारे को अर्जुन समझ गए, और कहते हैं एक मणि लगी है माथे में अश्वत्थामा के, उस मणि को निकाल दिया, तेज से ही अश्वत्थामा हो गया।
अपमानित हुआ और अश्वत्थामा अपमानित होकर वहां से चला गया। दूसरी ओर बुआ कुंती से आज भगवान भी विदाई ले रहे हैं कि मैया बहुत दिन है गए, अब जाना है। उसी समय ये बातचीत ही चल रही थी, एक स्त्री दौड़ी हुई भगवान के चरणों में आके नतमस्तक हुई, प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद मैं मरूं तो आज ही मर जाऊं, मुझे अपने प्राणों की जरा भी प्रवाह नहीं, परंतु मेरे गर्भ में पांडवों का जो आखिरी वंश है, निशानी है, उसे बचा लो गोविंद। भगवान ने उस स्त्री को जैसे ही उठाया, वो अभिमन्यु की भारिया उतरा थी जिसके गर्भ के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, और मेरे भगवान आज उस दयनीय स्थिति में देख के उत्तरा को कहते हैं भगवान से रहा नहीं गया। भगवान सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके गर्भस्थ बालक की मेरे भगवान रक्षा करते हैं, समक्ष प्रकट होते हैं। बुआ कुंती भगवान को देखती है, स्तुति करना चाह रही है, परंतु क्या स्तुति करे। हाथ जोड़ लिए कुंती ने और कह रही है बुआ कुंती, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः, नंदगोपकुमारा गोविंदाय नमो नमः, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाध्रये। हे गोपाल श्री कृष्ण, आप जगत के भी आश्रय दाता हैं। हे कमलनयन, आपके श्री चरणों में अरुण कमल की सुंदर माला सुशोभित है। आपके श्री चरण में कमल का चिन्ह अंकित है। नंद कुमार देवकी नंदन वसुदेव कुल भूषण, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। बुरी बुरी स्तुति करती है बुआ कुंती। नमस्ते पुरुषम त्वातम धीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ कृष्ण, आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। तथा परम हंसाना मुनि नाम मलात्मना भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्यम स्त्रिय। कुंती कहती है इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसी को की तह में आप विद्यमान रहते हैं, और अपनी ही माया के पर्दे से अपने ही ढके हुए मानो स्वयं ऐसे प्रतीत होते हैं। मैं अबोध अज्ञानी नारी आपको कैसे जान सकती हूँ प्रभु, मैं तो अबोध हूँ, ना जप जानती, ना नियम जानती, ना पूजा जानती है प्रभु, मुझे आपको रिझाने का कोई मार्ग नहीं आता। हे गोविंद मैं आपकी शरणागत हूं, बस मेरे भगवान की प्रतिज्ञा है कि शरण गए प्रभु जाही ना त्यागा, विश्व द्रोह की तगज ही लागा। अपने शरणागत को भगवान रक्षा करते हैं मेरे प्यारे। और खड़ी है बुआ सामने, भगवान कह रहे हैं हरी मैया मुझ मेरे पांडु पुत्रों में कोई फर्क थोड़ी ही है,
तुमने कैसे कह दिया कि मैं भगवान हूँ? मैया ने कहा, आज तक मैं यही समझती रही थी कि तू मेरा पुत्र है, परंतु आज मैं जान गई तू भगवान है। सांवरे भगवान कहते हैं मैया को, अगर मैया तूने मुझे भगवान कह ही दिया तो जीवन में तूने बड़े दुख उठाए हैं, आज इस भगवान से जीवन का कोई सुख भी मांग ले मैया। इतनी बड़ी बात कह दी भगवान ने। अचंभित हो गए वहां खड़े हुए पांडव कि कहीं ये मैया दुनिया का कोई सुख ना मांग ले भगवान से, कहीं कोई संसार का पदार्थ ना मांग ले। परंतु कुंती ने जो भगवान से मांगा, शायद इस जगत में वो किसी ने नहीं मांगा होगा। मेरे प्यारे, झोली लेके खड़ी है बुआ कुंती सामने भगवान की, और भगवान की ओर कहती है वो मैया कि हे गोविंद, अगर तुम कुछ देना चाहते हो ना तो अपने जीवन के सारे दुख तुम मेरी झोली में डाल दे, मेरी झोली में डाल दे। कृष्ण भगवान विस्मय दृष्टि से देख रहे हैं, हरी मैया तुमने जीवन में कौन सा सुख पाया, तूने कौन सा सुख पाया जो आज भगवान सामने खड़े हैं और तुम दुख मांग रही हो। कुंती के जीवन को अगर हम देखें प्यारे, तो कुंती ने जन्म से लेके आज तक कोई सुख नहीं पाया था। जन्म लिया, माता पिता छोड़ के चले गए, पाली पोसी किसी ने, बड़ी हुई विवाह से पहले ही संतान का कलंक, सूर्य देव की उपासना से, और कहते हैं उसके पश्चात जब विवाह हुआ तो पीलिया रोग के पीड़ित पंडू के संग हुआ। जीवन जिया, पति भी छोड़ के चला गया, पुत्रों को लेके वन वन भटकी, दर दर भटकी, कहां कहां नहीं भटकी। वो दुख पाए मैया ने, अनेकों अनेक दुख पाए, आज भी दुख पा रही है और भगवान सामने खड़े फिर भी कह रही है कि जीवन के सारे दुख मेरी झोली में डाल दे। कृष्ण कहती है मैया, रे गोविंद, मैंने दुख इसलिए मांगे क्योंकि मैं जानती हूँ कृष्ण तुम जीवन के सुखों में कभी नहीं आते, तुम आते हो तो केवल जीवन के दुखों में आते हो। मैंने विपत्तियों को कहां तक गिनवाऊं कृष्ण, अगर जीवन में विपत्ति मिली तो विपत्तियों को दूर भी तो तुमने ही आके किया। उन विपत्तियों को दूर भी तो तुमने किया कृष्ण आके, मोदक भक्षण के समय, जिस समय मेरे पुत्रों को वो कौरव जहर मिला के मोदक खिला रहे थे, तुमने आके रक्षा करी कृष्ण। लाक्षागृह के दाह के समय जब मेरे पुत्र जल रहे थे, तुमने आके रक्षा करी कृष्ण। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब मेरे पांच पांडव कौरवों के क्षोहणी सेना से घिरे थे, तुमने सारथी बन के मेरे पुत्रों की रक्षा करी कृष्ण। वो निशाना जो बंधा था मछली की आंख का, वो बांधने वाला तू था कृष्ण। मेरे जीवन को सार्थ रूप देने वाला तू था कृष्ण। कहां तक गिनवाऊं मैं उन संपत्तियों को, वो विपत्तियां नहीं थी, वो मेरे जीवन के ऊपर तुम्हारी कृपा थी ठाकुर। ये गोविंद इस दासी को अपने चरणों में लगा लो, बस तुमसे मैं केवल यही मांगती हूं। और यूं कह के कुंती अपने भाव व्यक्त करती है। दासी हूं तेरी श्यामा, दासी हूं तेरी श्यामा, सेवा में साथ रख लो। दासी हूं तेरी श्यामा, सेवा में साथ रख लो। मैं आपकी हूँ दासी,
हर पल ही साथ रख लो आपकी हूँ दासी हर पल में साथ रख लो दासी हूँ तेरी श्यामा सेवा राधे सुन लो मेरी कहानी ओ राधे मेहरबानी सुन लो मेरी कहानी ओ राधे मेहरबानी सुन लो मेरी कहानी ओ राधे चरणों की रज दे मुझको चरणों की रज दे मुझको अरे बल साथ रख लो चरणों की रज दे मुझको हर पल ही साथ रख लो दासी हूँ तेरी श्यामा दासी हूँ तेरी सेवा में साथ रख लो दासी हूँ तेरी राधे सेवा में साथ रख लो श्री राधे गुण से भरी हुई मैं दर पे तुम्हारे आई अब गुण से भरी हुई मैं दर पे तुम्हारे आई अब गुण से भरी हुई मैं दर पे तुम्हारे आई अब गुण से भरी हुई मैं दर पे तुम्हारे आई अदर दे तुम्हारे आई ओ कृपा सिंधु से प्यारी ओ कृपा सिंधु से प्यारी अवगण हमारे हरे लो आपकी हूँ दासी
पल ही साथ रख लो। Oh,
पल चरणों की रज मुझे दे 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 चरणों की रज दे मुझको हर पल ही साथ रख लो मेरे जीवन की हो जाए भोर किशोरी तेरे चरणों में हे राधा रानी हे ठाकुर जी बस मेरे जीवन की केवल यही एक आशा है यही एक अभिलाषा है। और आज कहते हैं कि कुंती की प्रतिज्ञा को इस वचन को मेरे भगवान ने निभाया मुन स्वीकृति दी। अर्धरात्रि का समय है आज कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने कक्ष में बैठ के ध्यान कर रहे हैं एक संत का एक महापुरुष का। रात्रि के समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान को सोने से पहले प्रणाम करने आए हे प्रभु मैं प्रणाम करने आया हूँ। जैसे ही भगवान के समक्ष पहुंचे आज भगवान की आंखों से भी अश्रुधारा बह रही थी अचंभित तो हो गए धर्मराज युधिष्ठिर कि हे प्रभु दुनिया तो मैंने सुना थी सुना था आज तक दुनिया आपके लिए रोती है परंतु क्या आप भी किसी के लिए रो सकते हैं। भगवान आज रोते हुए कहते हैं हे धर्मराज मैं भी रोता हूं दुनिया तो संसारियों के लिए रोती है परंतु मैं अपने किसी परम भक्त के लिए रोता हूं। मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुटमणि भक्त मेरे शीश मणि मैं अपने भक्तों को अपने शीश पे धारण करता हूँ अपने मुकुट पे धारण करता हूँ इसलिए मैं रोता हूँ तो केवल अपने भक्त के लिए रोता हूँ। आज मैं रो रहा हूँ कुरुक्षेत्र किरण भूमि में शरशैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह के लिए वो मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है कितना तप किया होगा पितामह ने कितनी प्रतीक्षा की होगी प्यारे अपने परमात्मा के दर्शन की प्राण नहीं छोड़े थे पितामह ने किस लिए कि मुझे आस है मुझे विश्वास है एक दिन तो वो सांवरा जरूर आएगा एक दिन तो वो ठाकुर जरूर आएगा मैं उनका दर्शन करूंगा और दर्शन करके मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। आज मानो भगवान प्रातः काल
की प्रतीक्षा को करते हुए न जाने वो कैसे रात्रि निकली। पांडवों को संग लेकर भूमि में पहुंचे। शरशैया पे लौटे हुए भीष्म पिता महार्त भाव से आज भगवान को देख रहे हैं। आर्तता स्तन की नहीं है, दुख तन का नहीं है। दुख है तो केवल इस बात का हाँ कि भगवान अभी तक क्यों नहीं आए। प्यारे भीष्म जैसा उदाहरण और दूसरा कोई नहीं हो सकता। आज तो दुनिया वाले कह देते हैं कि उसको शूलियों पे लटका दिया, शूलों पे लटका दिया, इसलिए वो भगवान है। दो शूलों पे लटक के कोई भगवान नहीं बन सकता। अगर वो वहां का भगवान हो सकता है तो फिर हमारे भगवान कितने महान होंगे। हमारे तो संत महापुरुष कुरुक्षेत्र की भूमि में इतने इतने दिनों तक शरशैया पे लेटे रहे, उफ तक नहीं करी शरीर से। हाँ, अगर महापुरुष हमारे इतने बलशाली इतने धैर्यशाली हो सकते हैं तो हमारे भगवान कैसे होंगे। प्यारे किसी ने कहा कि मैं भगवान का दास हूँ, किसी ने कहा मैं भगवान का भक्त हूँ। गीता में केवल मेरे भगवान ने ये बात कही कि मैं ही भगवान हूँ। हमारे सनातन में भगवान ने ये नहीं कहा मैं भगवान का दास हूँ, यही कहा कि मैं ही भगवान हूँ। और दृढ़ता से कहा और प्रत्यक्ष इसका दिग्दर्शन धर्म शास्त्रों में बार बार होता है। इस बात की पुष्टि बार बार होती है हमारे सनातन में कि भगवान वास्तव में ही कृष्ण का व राम का रूप लेकर आए हैं। इसलिए आज पांडवों को बड़ी सुंदर धर्म की शिक्षा दी भीष्म पितामह ने कि हे पांडवों, मैंने अन्याय किया था तुम्हारे साथ, जिसकी मुझे सजा मिली है, परंतु मैं भी नियमों में बंधा था। जिसका मैंने खाया उसके प्रति मुझे निभाना तो था। याद आई वो सारी बातें, किरण भूमि में जिस समय तीर पे तीर चल रहे थे और कहते हैं कि कौरव युद्ध हार रहे थे, आज अर्जुन के उस जीतते हुए अर्जुन को देखकर आज दुर्योधन ने कटाक्ष कर दिया था पितामह के ऊपर। पितामह मुझे लगता है ऐसा ज्ञात होता है कि खड़े तो आप हमारी ओर हो युद्ध करने के लिए, परंतु पक्ष आप पांडवों का ले रहे हो। नहीं तो हमारे तो इतने बड़े बड़े वीर मारे गए युद्ध भूमि में, पांडव तो पांच के पांच जीवित है, उनका तो एक भी नहीं मरा, हमारे इतने मर गए। क्या लाभ आपकी शूरता का और क्या लाभ आपकी वीरता का। उस समय क्रोध में पितामह ने संकल्प ले लिया कल रणभूमि में एक पांडव को समाप्त करूंगा, और वो पांडव कौन होगा कहा, जिसके बल पर ये पांडव इतना उछलते हैं उस अर्जुन को ही मैं कल प्रतिज्ञा कर ली। और प्रभु ये प्रतिज्ञा कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं, हमारे संकल्प तो पता नहीं कब विकल्प में बदल जावे। हम तो संकल्प लेके न जाने उस संकल्प को कब भुला देवे। वो प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा थी और वही हुआ प्रभु कि अगले दिन वो रात जब हुई अर्जुन सो रहे थे, गोविंद ने आके उठाया, अरे अर्जुन तू सो रहा है, कल तू मरने वाला है, तुझे जरा भी चिंता नहीं। अर्जुन कहता है कृष्ण को, रे कृष्ण जिसका रखवाला तू है वो क्यों अपनी चिंता करे। भगवान ने कहा उड़ ले चादर, तू सो जा, फिर अगर तूने ये बात कह दी तो सो जा, तेरी चिंता मुझे है। द्रौपदी का हाथ पकड़ा भगवान ने और चल पड़े उस रात्रि के समय उस कुटिया की तरफ जहां भीष्म पितामह ठहरे थे। कहा देवी ध्यान रखियो, घूंघट मत उतारियो, बस जाके भीष्म पितामह के पांव छू लियो एक बार, परंतु बताना मत उनको कि कौन तुम्हें यहां पर लेके आया था। ठीक है प्रभु, गए छन छन की वो आवाज, भगवान वृक्ष के पीछे छुप गए, द्रौपदी को इशारा कर दिया, कुटिया के समक्ष द्रौपदी गई, पितामह बाहर निकले, चरण छू दिए, चरण छू दिए। प्रभु जैसे ही चरण छू सौभाग्यवती भवा, शब्द निकल गया मुख से, कोई साधारण शब्द नहीं था, भीष्म पितामह की वाणी थी जिसे भगवान भी नहीं डाल सकते थे। जैसे ही कहा सौभाग्यवती भवा, घूंघट हटाया, देखा द्रौपदी को अचंभित हो गए पितामह, और द्रौपदी ने पूछ लिया प्रभु अब
मैं आप किस बात को सत्य मानूं जो आपने अभी अभी मुझे कहा, सौभाग्यवती भवा, या मैं आपकी उस बात को सत्य मानूं जो रणभूमि में आपने आज वचन किया। कल रणभूमि में एक पांडव को मारूं, क्योंकि अगर एक पांडव मरा तो मैं विधवा हुई। तो प्रभु बताओ आपकी कौन सी बात सच्ची। पितामह ने कह दिया, हे द्रौपदी समेत तो तू इसी बात को सच्ची मान जो मैंने तुझे अभी कहा, परंतु भीमसेन को मैं जानता हूं, उसमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो तुम्हें यहां तक ला सके। अर्जुन ऐसा सोच भी नहीं सकता, नकुल सहदेव अभी बालक हैं, धर्मराज युधिष्ठिर मर्यादाओं को नहीं तोड़ सकते, तो सच बता दे तुझे यहां पर कौन लेके आया है। समझ तो गए थे पितामह, परंतु मुख से सुनना चाहते थे। द्रौपदी भी धर्म संकट में पड़ गई, कृष्ण ने कह दिया था कुछ बोलना नहीं, और पितामह ने पूछ लिया कि कौन लेके आया। धर्म संकट में पड़ी ही द्रौपदी ने इशारा कर दिया, प्रभु वो जो मुझे लेके आया है ना, वो पेड़ के पीछे खड़ा है। अब मुस्कुराते हुए पितामह आगे बढ़े, कह रहे छलिया अगर तूने छल कर ही दिया तो अपना रूप भी दिखला दे। अब गोविंद से रहा नहीं गया, कहा पितामह प्रणाम, कहा हे प्रभु प्रणाम तो आपको, मेरी प्रतिज्ञा तुड़वा दी। गोविंद ने कहा कि हे पितामह, धर्मज्ञ धर्म के लिए प्रतिज्ञाएं तोड़ते रहते हैं। हे गोविंद, ये कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं थी, वचन देना पड़ेगा तुम्हें कि तूने मेरी प्रतिज्ञा तुड़वाई है। गोविंद, अब मैं तुझे पहले वचन देता हूं कि मैं भी तेरी प्रतिज्ञा तुड़वा के रहूंगा। रणभूमि में तूने प्रतिज्ञा करी थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तेरे से शस्त्र उठवाऊंगा। कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुरा के प्रणाम करके वहां से चलते हैं। अगले दिन रणभूमि में बड़ा भारी युद्ध होता है। महाराज कौरव आज सारे पांडवों को रणभूमि में अलग विलग कर देते हैं कि आज अर्जुन को अकेला छोड़ना है और अर्जुन को आज मारना है। जब युद्ध हुआ, भीमसेन को उलझा लिया दुर्योधन ने, और प्रभु नकुल सहदेव को अनेकों अनेक कौरवों ने उलझा लिया, और दूसरी ओर धर्मराज युधिष्ठिर कहीं और भी चले गए, तो कहते हैं अर्जुन का रथ बीच में अकेला रह गया। सारथी है कृष्ण, कौरवों ने रथ को घेर लिया, और पितामह ने बाण पे बाण बांध दिया अर्जुन के ऊपर। रथ का पहिया डिगा, पहिया टूटा, और गांडिव के ऊपर जैसे ही निशाना बंधा, पितामह का गांडिव का तिनका टूट के गिर गया। महाराज गांडिव टूट के गिर गया, धड़ाम से आज अर्जुन नीचे गिरे, और छाती के ऊपर आज भीष्म पितामह ने तीर तान दिया। गोविंद सारथी बन के देख रहे हैं, जब ये स्थिति देखी मेरे गोविंद ने, रहा नहीं गया, दौड़ कर देखते हैं हरे कुछ है कुछ है। उसी रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, दौड़ के उठाया और उसी पहिए को चक्र मेरे भगवान ने बना दिया। और जैसे ही वो पहिया चक्र बना, कहते हैं भीष्म पितामह भगवान के समक्ष खड़े होकर कहते हैं, देव देव हे देव, धन्य हो धन्य हो धन्य हो मेरे प्रभु, आपके इस रूप को देख कर हे प्रभु, उस समय मेरे मन के जितने काम क्रोध लोभ विकार विष वासनाएं थी, उस चक्र को देखकर मानो काम क्रोध लोभ मोह विष विकार वासनाएं सब कट गई मेरे प्रभु, मेरे जीवन के द्वंद समाप्त हो गए कि मेरे गोविंद चक्र धारण करके खड़े हैं। और हे प्रभु, अर्जुन आए उस समय दौड़े हुए, गोविंद हे गोविंद ऐसा मत करियो प्रभु, ऐसा मत करना, मैं मरूं तो मर जाऊं, परंतु आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ना, मेरे लिए शस्त्र मत उठाना। मानो गोविंद ने भी मन ही मन कह दिया, हो रे तू मरे तो मर जाए, तेरी क्या चिंता, मुझे आज चिंता है तो अपने भक्त भीष्म की, जिसके लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, जिसके लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कि प्यारे वो भगवान भी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं एक बार अपनी, परंतु भक्त में वो भाव होना चाहिए कि वो भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़वा सके। आज उसी स्वरूप का दर्शन करके भीष्म पितामह की आंखें भीग जाती हैं। आज स्तुति करते हैं पितामह भगवान के चरणों की, प्रणाम करते हैं।
और कहते हैं हे प्रभु बस केवल एक अभिलाषा है इस मन की, एक अभिलाषा है इस मन की कि एक बार मैं आपका वो विराट रूप देखना चाहता हूं जो अपने अर्जुन को दिखलाया था प्रभु। गोविंद मुस्कुराए मुस्कुरा के कहते हैं पितामह ना तो अब वो समय है ना ये स्थिति है, कैसे दिखला दूं विराट रूप। अनमने से मन से पितामह बोले रे गोविंद जयद्रथ वध के समय जब सूर्य को समय से पहले तुम अस्त कर सकते हो, फिर से उदय कर सकते हो, संजीवनी ऋषि के मरे हुए पुत्रों को तुम फिर से जीवित कर सकते हो तो हे गोविंद कर तुम, अगर तुम अन्यथा कर तुम सक्षम तुम क्या नहीं कर सकते। इस दास की तो केवल एक यही इच्छा है एक बार आपका विराट रूप देख लूं, अपने भक्त के लिए मेरे भगवान ने अपना विराट रूप बनाया। स्तुति करी भीष्म पितामह ने भगवान की, बड़ी सुंदर स्तुति की। इति मति रूप कल्पिता विदृष्ण भगवती सत्वद पुंगवे विभुम्रि स्वसुख मुपगतिं क्वचिद् क्वचिद् हर्तुं प्रकृतिं मुपयेयशीयद्धव प्रवाह। त्रिभुवन कमल नमतमाल वर्णम रवि कौरग कौरगर गौरवरांबर दधान कपूरल ककुलावृताननाब्जम विजय सखीरतिरस्तु मे अवद्या। हे प्रभु मेरी मति मेरी बुद्धि, ये बुद्धि ये मति मेरी आपके चरणों में सदा लगी रहे, ये मति ही है प्यारे, ये बार बार कहती है मती कहती है बार बार कि तू भगवान के चरणों में लग जा, मन कहता है संसार की तरफ जा, परंतु ये मती अगर मन को निर्देश ना दे, अगर ये मती मन को निर्देश दे दे कि तुझे हरि चरणों में लगना है तो फिर वो मन मती के साथ परमात्मा के चरणों में क्यों ना लग जाए। भीष्म के ऊपर कृपा करी मेरे भगवान ने और मेरे भगवान आज वहां से कहते हैं द्वारिका पहुंचे। अर्जुन छोड़ने गए थे, बहुत समय बीत गया, जब अर्जुन वापस नहीं आए तो अर्जुन की चिंता आज सभी पांडवों को हुई। धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन से चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन अभी तक क्यों नहीं लौटे, क्या कारण हो गया, वामांग फड़क रहा है, आज अपशगुन प्रक्षगुन दिखाई दे रहे हैं। उसी समय निस्तेज अर्जुन आज धर्मराज युधिष्ठिर के सामने पहुंचते हैं। निस्तेज अर्जुन को देख के प्रश्नों की झड़ी लग जाती है। धर्मराज कहते हैं रे अर्जुन तेरे निस्तेज होने का क्या कारण है, क्या तू रास्ते में गौ ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर पाया या तू मार्ग में धर्म की रक्षा नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि जो मानव धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकता वो निस्तेज हो ही जाता है। अगम्य में तूने गमन किया, क्या तेरे निस्तेज होने का यही कारण है या तूने कोई ऐसा बुरा कर्म कर दिया जिसके कारण तू निस्तेज हो गया, बता अर्जुन तेरे निस्तेज होने का क्या कारण है। यूं जब प्रश्न सुना अर्जुन के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। ए भैया मैं आज तक समझता था कि जो वो मछली की आंख का निशाना मैंने बांधा वो मेरा बल था, परंतु मैं भूल में था भैया, वो निशाना मैंने नहीं बांधा था, वो बांधने वाला तो कृष्ण था। मैं समझता था कि गांडीव की टंकार के ऊपर मैंने रणभूमि में अक्षोहिणी कौरवों की सेना को समाप्त कर दिया, परंतु वो मेरी भूल थी क्योंकि गांडीव धारण बेशक मैंने किया, वही अर्जुन उन भीलों के हाथों लुट गया। वो गांडीव भी मेरे पास था, वो तीर भी मेरे पास थे, परंतु बस वो नहीं थी तो केवल वो शक्ति जिस शक्ति का नाम था कृष्ण शक्ति। क्या हुआ, जैसे ही ये प्रश्न उठा अर्जुन ने कहा हमारे प्राण धन कृष्ण
हमें इस धराधाम से छोड़ के चले गए। और जैसे ही ये बात बुआ कुंती ने सुनी, कुंती के प्राण वहीं निकल गए और वो प्राण निकल के सीधे भगवान के चरणों में जाके विलीन हो गए। आज मैं अर्जुन भीलों के हाथों लुट गया, सारा समय का खेल था प्यारे। समय बड़ो नानर बड़ो, समय बड़ो बलवान, वही धनुर्धर अर्जुन है, अजी वही गंडीव वही बाण। समय बड़ा बलवान है मेरे प्यारे, अन्यथा तो वही मैं अर्जुन था, वही गांडीव था और वही मेरे बाण थे। आज मैं अर्जुन भीलों के हाथों लुट गया। धर्मराज युधिष्ठिर समझ गए कि अब घोर कलयुग आ चुका है, अब हमारे जाने का समय हो गया। उसी समय पांचों पांडव आज कहते हैं कि महाराज, आज वो पांचों पांडव परीक्षित का राज्याभिषेक करके चल पड़े स्वर्ग की ओर। अनेक अनेक वृतांत हुए और यक्ष से संवाद हुआ युधिष्ठिर का, कई सारे प्रश्न हुए, उनमें भी एक प्रश्न था। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि संसार की सबसे बड़ी अजाइबी क्या है, इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तभी युधिष्ठिर जी महाराज ने उत्तर दिया था कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है हे यक्ष कि मानव किसी को मरते हुए देखता है परंतु वो ये कभी नहीं सोचता है कि दिन मैं भी मरूंगा। किसी को जला के आता है शमशान में परंतु वो ये कभी नहीं सोचता है कि दिन मैं भी इसी आग में जलूंगा। यही संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य है। प्रभु अनेक अनेक प्रश्न उत्तर हुए और अंततः पांडव यक्ष के उत्तर देके पांडव जीवित हुए, स्वर्ग की ओर गए। और कहते हैं दूसरी ओर राजा परीक्षित अपने राज्य में अपने राज्य व्यवस्था को संभालने लगे। अनेक अनेक यज्ञ किए राजा ने और कहते हैं कि एक दिन राजा अपने ही राज्य का भ्रमण कर रहा था, तब राजा ने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक धरती स्वरूप पृथ्वी धर्म स्वरूप वृषभ से चर्चा कर रही है। धर्म पदे कीन चरण विच्छायाम उपलब्ध गाम पृच्छति स्वां श्रुवदनं विवत्सामिव मातरम्, विवत्सामिव मातरम्। बैल स्वरूप धर्म और गौ स्वरूप पृथ्वी अपनी गाथाओं को गा रहे हैं। धर्म पूछता है धरती से, हे धरती, हे गौ, क्या तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे प्राण धन गोविंद तुम्हें छोड़ के चले गए? आतताई राजा तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, क्या यही तुम्हारे दुख का कारण है? धरती कहती है, हाँ धर्म, बस यही मेरे दुख का कारण है कि भगवान मुझे छोड़ के चले गए। कि जीवन का सबसे बड़ा दुख उस बात का मनाना प्यारे जिस दिन तुम्हारे जीवन से भगवान की कथा निकल जाए। दुख और किसी बात का मत मनाना, दुख मनाना तो केवल इस बात का कि हाय मेरी जीवन से आज भगवान की कथा कैसे निकल गई, क्यों निकल गई, बस इसी बात का तुम दुख मनाना। प्रभु आज पृथ्वी पूछती है, गौ स्वरूप पृथ्वी धर्म से पूछती है, हे धर्म तुम्हारे दुख का क्या कारण है? क्या तुम इसलिए दुखी हो कि इस कलयुग में तुम्हारे तीन चरण कट चुके हैं? धर्म के चार पग हुए सतयुग में, दया पवित्रता दान और सबसे, तीन चरण कट गए कली काल में, केवल एक चरण शेष रह गया। कटे कौन कौन से चरण? दया, दूसरा पवित्रता, तीसरे दया पवित्रता,
और धर्म केवल एक चरण शेष बचा जो चरण है दान, दया, पवित्रता और सबसे ये तीन चरण कट गए। केवल दान के ऊपर कलयुग खड़ा हुआ है। आज जिस दिन ये भी समाप्त हो जाएगा उस दिन फिर घोर कलयुग आ जाएगा। दया, पहले मानवों में दया हुआ करती थी। कोई सड़क पे पड़ा होता था ना, उसको उठाने के लिए दौड़ते थे लोग। हाँ, आज किसी में दया नहीं रही। पवित्रता समाप्त हो गई। बिना नहाए ही रसोई में प्रवेश हो जाता है। नहाना तो महाराज, समय मर्यादाएं सब समाप्त हो गई। नियम बनाए थे हमारे धर्म शास्त्रों में, स्नान का ध्यान का नियम बताया गया था। नहाने का समय नहीं पता मानव को, खाने का समय नहीं पता। देव स्नान माना गया था महाराज, कौन सा पवित्रता कहां रह गई। कहते हैं मानव को देव स्नान करना चाहिए। कौन सा टाइम होता है देव स्नान का? ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 से 4 बजे तक। 3 से 4 का देव स्नान माना गया और उसके बाद 4 से 5 का वो भी पवित्र माना गया। देव और मुनि स्नान ये माने गए प्रारंभ के। फिर उसके बाद 6 बजे तक का जो स्नान है 5 से 6 वो मानव स्नान है। और 6 बजे के बाद का महाराज वो मत बोलना, क्योंकि वो तो हम सब करते हैं। बोल दूं, वो 6 बजे के बाद का राक्षस स्नान होता है। तो इसलिए मुझे नहाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। पवित्रता कहां रह गई? आजकल उठते ही सबसे पहले सबको चाय चाहिए। नहाए बाद में बिस्तर से आवाज आती है चाय। अब महाराज वो चाय कैसे बनेगी जब नहाए ही नहीं तो रसोई में जाते ही रसोई शुद्ध कर दी है। अब रसोई शुद्ध हो गई, कहते हैं जिस घर की अन्नपूर्णा शुद्ध हो गई उस घर में बरकत समाप्त हो गई। इसलिए नियम तो बड़े सारे हैं परंतु पवित्रता का ध्यान रखना परम आवश्यक है। रसोई साक्षात अन्नपूर्णा है, कम से कम उसमें तो जब भी प्रवेश करो तो स्नान करके करो। पवित्रता कहां रह गई? एक ही बर्तनों में सब चलता है। खान पान शुद्ध होना चाहिए, अपने बर्तन अलग होने चाहिए। जिनमें खाओ तो अपना बर्तन अलग रखो, जिनमें बनाओ तो शुद्ध रखो। कम से कम कुछ नियम तो रहे। आजकल तो बर्तन भी कौन से प्रयोग होते हैं। एक समय हुआ करता था, हमारा देश समृद्ध था, लोग सोने में खाया करते थे। सोने के थाले होते थे, गुण कैसे आते थे सोने जैसे। चवन प्रास खा के सोने वाले गुण नहीं आएंगे, वो बर्तनों में अच्छे खा के गुण आएंगे। फिर समय घटा, हम चांदी पे आ गए। चांदी में खाते थे, शीतल रहता था मन, गुस्सा नहीं आता था। उसके बाद कांसे पे आ गए, कांसा बड़ी अच्छी धातु थी, अच्छा था कांसे पे। कांसे से गिर के फिर निमन धातु स्टील पे आ गए, स्टील में खाने लगे। अच्छी धातु नहीं है स्टील, फिर भी चलो ठीक है चल गए। स्टील के बाद तो हद कर दी। फिर आ गए किनमें, बड़ा फैशन मानते हैं कि हमारा चाइना बोन में खाते हैं। चाइना बोन, अरे इतने पढ़े लिखे हो, बोन का मतलब क्या होता है? What do you mean by bone? क्या मतलब होता है? बोन का मतलब हड्डियां, हड्डियों में खाते हैं तो गुण कैसे आएंगे? राक्षसी बर्तनों में खाएंगे तो राक्षस बनेंगे बच्चे। फिर कहते हमारा बच्चा हमारा कहना नहीं मानता। धुंधुकारी के लक्षण भागवत में बतलाए गए कि महाराज शव हस्तेन भोजनम, जिस स्नान के बाद ध्यान ना होए सीधा खाना खा ले
वो अपने हाथ से नहीं खाता, वो शव के हाथ से खाता है। आजकल के बच्चे तो बिस्तर से उठते ही माँ पुकारती है, बेटा जा खाना खा ले। बेटा बिस्तर से उठते ही माता पानी गर्म रखा है, यहाँ रखा है, थोड़ा थोड़ा मुंह धो लूं बस, फिर नाश्ता लगा दे। और मुंह भी धोया या ना धोया, नाश्ता खा लिया, और जिन हाथों से खाया अपने नहीं वो शव के हैं। इसलिए कम से कम 10 20 50 मिनट जितनी देर लगा सको ध्यान के लगा लो प्यारे, फिर खाओ। पहले अपने ठाकुर को खिलाओ फिर खुद खाओ, वास्तव में वो तुम्हारा भोजन पवित्र हो सकता है। महाराज जी ये नियम कहाँ पता चलेंगे? जब आप खुद कथा सुनोगे और अपने बच्चों को भी कथा सुनाओगे तभी तो उन तक बात पहुंचेगी, अन्यथा तो फिर कैसे क्या होएगा, कैसे बच्चे धर्ममय बनेंगे? इसलिए पवित्रता दया पवित्रता भी खाई गई कलयुग में। तीसरी चीज क्या गई? सच भी चला गया। बिना बात के 20-50 झूठ तो आदमी हर रोज बोल देता है, बिना किसी बात के अपनी बड़ाई गाने में ही बोल देता है। कहते हैं जिस वाणी पे झूठ आ गया उस वाणी की शक्ति वहीं समाप्त हो गई, और जिस पे सच रहता है ना उस वाणी की कभी शक्ति समाप्त नहीं होती। जिस वाणी पे सच रहेगा जिसको जो कह दिया वो पूरा हो जाएगा। महाराज जितनी शक्ति है वाणी की, इसलिए वाणी पे सत्यता रहनी चाहिए।